पिछले दिनों शिवनाथ नदी में आई बाढ़ के चलते बाढ़ का पानी महमरा एनिकेट से लगभग 35 फीट ऊपर बह रहा था, जहां पानी के तेज बहाव ने अपने बीच में आई बाधा को तोड़ते हुए सौंदर्य के लगे सभी सामानों को तोड़ डाला। वहीं इससे हुए नुकसान और अस्त व्यस्त पड़े घाट पर दुर्ग निगम अपनी उदासीनता दिखा रहा है। यहाँ दुर्ग नगर निगम झांकने तक नहीं आता। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित दुर्ग जिले में लगातार हुई बारिश के चलते सभी नदियां उफान में बहने के साथ ही अपने सामने आए चीजों को बहाते हुए अपना आगे का मार्ग तय कर बहुत ही तेजी के साथ आगे बहती गई। इसी के साथ ही दुर्ग जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी भी अपने पूरे शबाब के साथ लगभग 35 फीट के ऊपर से बहकर बाढ़ का रूप ले चुकी थी, जहां शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर भी काफी ऊंचाई से बाढ़ का पानी बह रहा था, जिसके संपर्क में आई सभी चीजें या तो बह गई या फिर टूट फूट कर एक किनारे लग गई। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी बाढ़ का प्रकोप झेल शिवनाथ नदी में लगे सौंदर्यीकरण के सामान सहित घाट किनारे लगी जालियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर यूं ही बेतरतीब पड़े हुए हैं, जिसे दुर्ग नगर निगम अपनी उदासीनता दिखाते हुए यहां की साफ सफाई और टूटे हुए जालियों की मरम्मत कराने तक का समय नहीं निकाल रहा है। बाढ़ से आई तबाही का नजारा वहां पहुंचने वाले लोग अपनी आंखों से देखते नजर आ रहे हैं। शिवनाथ नदी से बहता पानी और कल कल करती आवाजों से इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। गौरतलब है कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के पान बरस की पहाड़ी से हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर जिले में खरगहनी गांव के समीप महानदी में मिलती है, जो कि हमारे शहर दुर्ग भिलाई के लिए जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी व मानी जाती है। इसके रख रखाव में जिला प्रशासन व दुर्ग निगम अनदेखी कर इस नदी का गौरव व महत्व ही कम कर रहा है। जरूरत है इस ओर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे कार्यक्रम सफाई का ही रहता है। हमारे जो सवेरे नहाने वाले स्नान करके यहाँ जाते हैं तो कुछ सफाई भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से जब से बाढ़ आया है तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा से ज़्यादा गंदगी पूर्ण हो गई है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि नगर निगम के पूरा 20-30 कर्मचारी लेके यहाँ आए और यहाँ देखे कि बोर्ड वोड टूटा हुआ है। पाइपलाइन जो माननीय अरुण पुरा विधायक जी ने इतना लाखों रुपए खर्चा करके इसको बनवाया था, जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, तो निगम को उसको पुनः यथावत ढंग से उसको निर्माण करे और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को देखे। एक बार भी अभी तक के बाढ़ घटने के बाद मतलब नगर निगम के कहीं ना आयुक्त आए हैं ना उनके कर्मचारी ढंग से देखभाल कर रहे, देख रहे हैं नदी किनारे कितने कचड़े फैले हुए यहाँ पे। तो मैं तो शासन से निवेदन करूँगा कि आयुक्त आए, यहाँ का पूरा क्या क्या सुधार करना है उसको यथावत करें, क्योंकि ये पर्यटक स्थल के लिए माननीय अरुण बोरा ने इसको घोषित भी किया है और यहाँ लक्ष्मण झूला का भी बनना है। ये जैसे कि हम दुर्ग भिलाई वालों को हमको विरासत में आई, ये इतनी खूबसूरत नदी प्रकृति ने नेमत की है। आज हम लोग लगभग 15-20 दिन हो गया बाढ़ आया और बाढ़ से यहाँ यथास्थिति में आप देखेंगे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं माननीय यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे ये अपील करना था मेरे को, जबकि बाढ़ आया अपने यहाँ तो बाढ़ में ग्रसित जितने भी जालियां हैं यहाँ पर और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से ध्वस्त और तरह ये हो गई हैं। मैं समझता था यहाँ पर एक महादेव घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, वो टूट फूट के बर्बाद हो गया। लोग यहाँ पर नहाने धोने आ रहे हैं अभी, जैसे भी वो बिल्कुल ऐसी यहाँ की गंदगी और ये व्यवस्था देख करके ना उनको ईर्ष्या और एकदम घृणा से होने लगी है। मैं महापौर जी और हमारे माननीय विधायक जी से ये बोलना चाह रहा हूँ, जो विरासत में उनको जो राजयोग मिला है, जो राजनीति मिली है, उनको राज करने का जो इतना बड़ा नेमत मिली है उनको विरासत में, वो उनकी विरासत की जिस चीज़ों को भगवती ना समझें और धरातल पे आकर के कुछ काम करें। देखिए यहाँ पर लोग कैसे तिल तिल मर रहे हैं, गंदगी में नहा रहे हैं,
यहाँ की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। बाढ़ आया है, ठीक है, बाढ़ से प्रकृति की जो इतनी बारी समस्या है उससे अपन लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, क्योंकि बाढ़ आज आके खत्म हो गई है। तो यहाँ की यथास्थिति इस व्यवस्था को प्रॉपर सुरक्षित करें, स्वच्छ करें। यहाँ जहाँ तक कचरा पड़ा मिलेगा आपको, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इनसे आप व्यवस्थित करें। माननीय प्रतिनिधि जी आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय महाराज, जय छत्तीसगढ़। मैं जिस तरह शिवनाथ नदी हम सभी के लिए एक जीवन दायिनी के रूप में शहर के लोगों की प्यास बुझाती है, अब देखना ये होगा कि दुर्ग नगर निगम द्वारा किस तरह से इस हुए पूरे तबाही और फैली अवस्था को कब तक सुधार पाता है और यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को शहर की एक नई पहचान दिखा पाता है। ग्रेनेसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।